Welcome you all. Today I'm here with the MCQs of chapter number 3, Tarot's Reward. These are some extra questions. Let's start with the first. All day long, Taro blank in the forest. कि पूरा दिन जो है तारो फॉरेस्ट में क्या करता था? So option number C is cut wood. कि जो तारो था वो वुड कटर था, तो वो क्या करता था? वुड कट करता था. The strong wind that blew one evening. जो तारो जो strong wind थी, जो तेज हवा थी बह रही थी एक evening, उसने क्या feel करवाया उनको? Option number A made Taro and his parents feel very cold. कि उसने क्या किया? तारो और उसके पेरेंट्स को बहुत ही ठंड महसूस करवाई. थर्ड इज तारो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट बिकॉज. तारो जो है एक दिन जल्दी ही बेड से खड़ा हो जाता है, हमेशा से जल्दी, और खुद को जो फॉरेस्ट के रास्ते पर चल देता है बिकॉज, क्योंकि द आंसर इज बी. He wanted to cut more wood to enable him to buy sake for his father. Yes, if you listen carefully your explanation of this chapter, तो आपको पता होगा कि क्या होता है. तारो के फादर जो है, जब उनको ठंड लगती है तो वो क्या कहते हैं कि मुझे विश, मेरी विश है कि मैं सेक पीऊँ. सेक क्या होता है? एक जैपनीज जो है ड्रिंक होता है जिससे वार्म अंदर गर्मी महसूस होती है. तो जब उन्होंने अपनी विश रखी तो एज तारो जो है अपने फादर की विश पूरी करने के लिए वो क्या करता है कि वो ज़्यादा वुड कट करके उसको सेल करके सेक लाने के लिए अपने फादर के लिए वर्क करता है. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट वाज तारोस थॉट व्हेन ही फेल्ट हॉट एंड स्वीटी व्हाइल कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट. कि जब तारो जो है कटिंग कर रहा होता है वुड की, तो उसको गर्मी लगती है और पसीना आने लगता है, तो उसकी क्या जो थॉट होता है उसका? Yes, answer is D. He wished his father to be as warm in the cold season. कि वो विश करता है कि उसके फादर को उस कोल्ड सीजन के अंदर गर्मी महसूस करवाए. हाउ? कि उसको सेक ला के दे, जैसा वो गर्मी फील कर रहा है वैसा ही उसके फादर भी गर्मी फील करें. Fifth is kneeling at a place where the water flowed quietly. Yes. अब जहाँ पर पानी का बहाव हो रहा होता है उस प्लेस पर जाता है. आंसर सी. तारो कप्ड हिज हैंड एंड टुक अप सम ऑफ द लिक्विड टू टेस्ट. कि उस फ्लो से जाकर वो वहाँ पे क्या करता है, तारो अपना जो हाथ है उसको कप बनाता है और वहाँ पर क्या करता है, उस लिक्विड को लेता है टेस्ट करने के लिए. सिक्स्थ इज तारो टेस्टेड द लिक्विड अगेन एंड अगेन बिकॉज. तारो बार बार उसको टेस्ट क्यों करता है? ऑप्शन नंबर डी. ही वॉन्टेड टू मेक श्योर इट वॉज सेक. वो बार बार जो श्योर होना चाह रहा था कि वो सेक ही है, बिकॉज क्या होता है जब वो लिक्विड को टेस्ट करता है उसको क्या फील होता है कि ये सेक है, वाटर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है. तो वो बार बार उसको टेस्ट करता है कंफर्मेशन करने के लिए, श्योर होने के लिए कि एक्चुअल में ये सेक है. वाई डिड द विलेजर्स फील ट्रिक्ड. यस, वाई डिड द विलेजर्स फील ट्रिक्ड. कि विलेजर्स क्यों फील करते हैं कि वो ट्रिक्ड हो गए हैं, मतलब उनके साथ जो चलाकी की गई है, उनको चीट किया गया है. आंसर इज बी. Because the waterfall didn't give them any sake and they thought Taro has tricked them. क्या होता है कि तारो को तो वो सेक दे रहा है लेकिन बाकी को वाटर दे रहा है ना, तो क्या होता है कि वाटरफॉल जो है किसी को भी सेक नहीं देता है, तो सभी को ये लगता है कि तारो ने क्या किया, उनको ट्रिक्ड किया है. Next is why did Taro think the sake from the water why did Taro think the sake from the waterfall to be his मेर इमेजिनेशन. क्यों जो है तारो को लगता है कि सेक जो है वाटरफॉल का जो सेक है वो इमेजिनेशन है उसके लिए. यस, ऑप्शन नंबर डी. द विलेजर्स डिडंट गेट एनी सेक फ्रॉम द वाटरफॉल. क्योंकि जो है विलेजर्स को जो है कोई भी सेक नहीं मिलता है और उसको सेक लगता है, तो उसको लगता है कि शायद मेरी ही कल्पना है क्योंकि मैं सेक के बारे में बार बार सोच रहा हूँ, तो ये मे बी मेरी इमेजिनेशन हो. लास्ट इज द वाटरफॉल गेव सेक ओनली टू तारो बिकॉज. वाटरफॉल जो है तारो को सेक देता है, ओनली तारो को ही सेक देता है. क्यों? बिकॉज. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. तारो वॉज द मोस्ट ऑबिडिएंट एंड ड्यूटीफुल सन इन द एंटायर विलेज. क्योंकि पूरे विलेज के अंदर तारो ही सबसे आज्ञाकारी और ड्यूटीफुल बच्चा था, अपने पेरेंट्स का बच्चा था. सो दीज आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन MCQs. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू सो मच.